प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है चुनाव जीवन का या मरण का। तो काफी बार जब हम मसीह में आते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो तुम्हारा परमेश्वर है जो कि दयावान है, दयालु है और प्यार दिखाता है, ओके, सहनशीलता दिखाता है, सब अच्छे गुण है, तो ये परमेश्वर लोगों को नर्क में कैसे क्या डाल सकता है। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय वचन 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने दोनों रखा है, जीवन भी है मरण भी है, और तुम्हें चुनना है कि तुम क्या चुनते हो। और परमेश्वर ये कहता है कि तुम जीवन को चुनो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ऐसा समझो कि मैं जो हूँ वो बहुत ही नशा करता हूँ। मैं दारू लेता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, ओके, और इतना ही नहीं तो मैं ड्रग एडिक्ट भी हूँ, मैं ड्रग्स भी लेता हूँ ये समझो। और मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, मैं रोड पे सो रहा हूँ, मेरी हालत खराब है, मैंने घर बार सब छोड़ दिया है, ओके। उतने में आप आते हैं और आप मुझे देखकर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मेरे घर पे लेके जाना चाहता हूँ, वहां पे मैं तुमको खाना दूंगा, तुमको कपड़े दूंगा, तुम स्नान वगैरह कर सकते हो, तुम चाहे तो मेरे पूरे घर पे रह सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो, जो काम करना है तुम वो सब कुछ कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, सो सकते हो, ओके, और ये सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ओके। बट आप एक बात कहते कि तुमको सिर्फ एक ही चीज करना है कि हमारे घर का एक वसूल है कि हम सभी के साथ भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ओके, और वहां पे ये नशा कुछ नहीं चलता है, ना दारू, ना सिगरेट, ना ड्रग्स। तो तुमको सिर्फ ये सब छोड़ के मेरे साथ आना होगा ताकि तुम मेरे घर पे अच्छा जीवन बिता सको। तो यहाँ पर मेरे पास कितने विकल्प बचते हैं? सिर्फ दो। एक तो मैं आपको हाँ बोल दूं कि धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया, या फिर मेरे पास दूसरा विकल्प है कि मैं आपको नाकार दूं, ठीक है, कि बाबा मुझे नहीं चाहिए आपका अनुग्रह, मैं जिस नशे में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, ऐसा। तो यही बात परमेश्वर और हमारे साथ होती है। परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाते हैं, हमको वो बचाना चाहते हैं और वो हमको अनंत काल के जीवन के लिए बचाना चाहते हैं। पर यहाँ पर हम चुनते हैं, परमेश्वर ने हमको चुनने का अधिकार दिया है कि हम उनके साथ रहने को चुनते हैं कि उनसे अलग होने को चुनते हैं। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को सुनते, उसका सुसमाचार सुन के हम विश्वास में आ गए, तो उसी प्रकार हम भी यही चाहते हैं कि बाकी लोग भी विश्वास में आए और परमेश्वर का प्यार जाने। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमको वो बुद्धि देना ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, उनको आपके प्यार के बारे में बता सके, सुसमाचार बता सके, ताकि वो भी जाने कि आपका प्यार कैसा है और वो भी हमारी तरह अनंत काल के लिए बच सके। तो यहाँ पर जो चुनाव करने का अवसर है वो हमारे पास है। परमेश्वर हमको नरक में नहीं डालना चाहता, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, पर हम जो है हमको चुनना है कि हम बचना चाहते हैं कि जीवन की हानि उठाना चाहते हैं। तो आइए हम लोगों तक पहुंचे और उनको सुसमाचार सुनाए और उनको परमेश्वर के राज्य में लेके आए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।